शासकीय चिकित्सालय पिछौर में चिकित्सकों के द्वारा मरीजों के साथ अभद्रता की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। ताजा मामला 12 सितंबर का है, जब ग्राम पंचायत कफा निवासी एक आदिवासी प्रसूता अपने परिजनों के साथ शासकीय चिकित्सालय पिछौर पहुंची थी। यहां पर चिकित्सालय में पदस्थ कर्मचारी के द्वारा प्रसूता को एक अदन पलंग भी प्रदान नहीं किया गया, जिससे कि दर्द और तकलीफ से तड़पती हुई प्रसूता चिकित्सालय परिसर में यहां वहां घूमती रही। जैसे ही प्रसूता की तकलीफ की जानकारी साथ में आए हुए परिवारजनों को ही, तो परिवारजनों के द्वारा इसकी शिकायत पिछौर चिकित्सालय के डॉक्टर ब्रजेश शर्मा से की गई, लेकिन डॉक्टर ब्रजेश के द्वारा परिवारजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अभद्र भाषा में बात की गई। गौरतलब है कि परिवारजनों के साथ नवनिर्वाचित सदस्य के पति भी पिछौर चिकित्सालय में उपलब्ध थे, जिनके साथ भी डॉक्टर के द्वारा अभद्रता की गई। पिछौर चिकित्सालय में पदस्थ अन्य कर्मचारियों के द्वारा भी लगातार इस तरह का व्यवहार अन्य मरीजों के साथ किया जाता है, जिसकी शिकायत लगातार की जा रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि पिछौर चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर व अन्य कर्मचारियों को कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक या आधिकारिक संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से वो मरीजों को इस तरह का व्यवहार करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सियाराम लोधी। जो अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है पिछौर हॉस्पिटल का, क्या मामला है पूरा? जी, मुझे हमारे यहाँ का एक आदिवासी का लड़का है, उसने फोन किया। भैया, बोले यहाँ डिलीवरी कल से डली हुई है और बोले डॉक्टर अंदर नहीं ले गए। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ गया तो मैंने देखा प्रतीक्षाला में ऐसी ही डली थी, कविता आदिवासी। तो मैंने कहा अभी हाल डॉक्टरों से बात करता हूँ। मैंने डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टर साहब बोले अभी पलंग नहीं है और ऐसो बाद में कर देंगे इनको एडमिट। मैंने कहा डॉक्टर साहब उसकी डिलीवरी वहीं हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, मर जाएगी वो। तो बोले तुम कौन हो? मैंने कही मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और मंडल अध्यक्ष भी हूँ किसान मोर्चा से। तो बोले ऐसे मेरे पास कई नेता आते हैं। और मैंने कहा तो माननीय एक काम तो करिए कि आप इसको तो कर दीजिए, मेरे जैसे आते हैं तो ठीक है। बोले नहीं तू यहाँ से जा, दुनिया की भाषा बोलने लगे, दुरुपयोग भाषा का करने लगे। तो मैंने बोला आप डॉक्टर साहब सही से बोलिए, आप भाषा सही बोलिए। बोले नहीं मैं ऐसे ही बोलता हूँ, आपको जहाँ जो दिखाए वो कर लेना। मैंने कहा मैं अभी हाल कलेक्टर साहब से बात करता हूँ। तो बोले आप जिसको चाहे उससे बात कर लेना, चाहे सीएम से कर लेना, चाहे प्रधानमंत्री से कर लेना, मेरी ऊपर तक पकड़ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू यहाँ से जा, तेरे जैसे नेता कई आते हैं। डॉक्टर का क्या नाम है? ब्रजेश शर्मा। कौन से हॉस्पिटल में? पिछौर स्वास्थ्य केंद्र। बीएमओ है? नहीं, बीएमओ तो नहीं है, डॉक्टर है। उनके साथ एक नर्स भी थी, वो भी कह रही थी तू यहाँ से जा, तू यहाँ से जा। मतलब उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मेरी बेइज्जती की। और अगर इनको ब्रजेश शर्मा जैसे डॉक्टरों को नहीं हटाया तो मैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन दूंगा। अगर ज्ञापन के बाद भी नहीं हटाया तो मैं आंदोलन करूंगा।